नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दीपेश। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल डीसी फुटवेयर पे। आज हम बात करेंगे माइकल एंजेलो के प्रोडक्ट्स के बारे में। माइकल एंजेलो एक वीगन ब्रांड है। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी फ्रेंडली ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छी क्वालिटी, काफी प्रीमियम क्वालिटी के साथ आते हैं और इनका रेट भी काफी ज्यादा नॉमिनल और इकोनॉमिकल होता है। सारी यूएसपीज मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। फ्रेंड्स, हमारे सामने माइकल एंजेलो के बॉक्सेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम इनको एक एक करके अनबॉक्स करेंगे। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं बॉक्स पे क्या क्या डिटेल आती है। ये है माइकल एंजेलो का बॉक्स, देख सकते हैं आप। ये पूरा रिसाइकलेबल बॉक्स है, बहुत बढ़िया बात है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो अब बॉक्स पे देख लेते हैं। बॉक्स पे वीगन की ब्रांडिंग आ जाती है और माइकल एंजेलो, जैसा कि देख सकते हैं हम, इनका लोगो आ जाता है, शू मेकर्स इनकी टैगलाइन है। और इस साइड में हमको साइड डिटेल्स मिल जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जैसे इसका आर्टिकल नंबर हो गया, MRP हो गई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, सब कुछ हमको डिटेल इस साइड में मिल जाएगी। तो ओपन करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनका फर्स्ट वी शेप स्लीपर है। देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ आता है ये और क्वालिटी भी इनकी बहुत बढ़िया आती है। ये वी स्ट्रैप में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर जो मटेरियल, फर्स्टली हम इसके मटेरियल की बात करें स्ट्रैप पे, तो ये वीगन मटेरियल है, पूरा वीगन लेदर है। बहुत बढ़िया आता है, सॉफ्ट आता है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल आता है और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। और अंदर की जो इनसाइड इनकी लाइनिंग है ये भी काफ़ी अच्छी आती है। और ये आप देख सकते हैं, इधर भी हमको आर्ट डिटेल्स मिल जाती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। देख सकते हैं आप, लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रंट में हमको माइकल एंजेलो का लोगो मिल जाता है। सेकेंडली हम बात करें इसकी पैडिंग की, तो पैडिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इसको ऑल डे वियर कर सकते हैं। माइकल एंजेलो की ब्रांडिंग मिल जाती है हमको, वीगन कलेक्शन भी इस पर लिखा हुआ जाता है। प्लस इस पर हमको ये आर्क सपोर्ट भी मिल रहा है, जिनका फ्लैट फुट है उनके लिए भी ये काफ़ी सही रहेगा। थर्डली हम देखें तो इसके आउटसोल की बात कर लेते हैं। इसका आउटसोल आप चेकआउट करिए, इसका आउटसोल कुछ इस तरीके का आता है, काफ़ी अच्छा आता है, एंटी स्किड आता है, स्लिप वगैरह बिल्कुल भी नहीं मारेगा। और इसका साइड लुक भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है फ्रेंड्स हमारा सेकंड प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी एक वी शेप स्लीपर है। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और स्टाइलिश लग रही है। आप इसको कैजुअली कुर्ते पजामे पे, पठानी पे भी कैरी कर सकते हैं, हर चीज़ पे इसको आप कैरी कर सकते हैं। फर्स्टली इसका स्ट्रैप देखें हम, तो स्ट्रैप इसका वीगन लेदर से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एलिगेंट लग रहा है। लोगो मिल जाता है हमको माइकल एंजेलो का इस साइड में। और अंदर की जो इसकी कुशनिंग है, काफ़ी बढ़िया कुशनिंग है। ये आपको बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, प्लस ब्रीथेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी, आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं होने देगी। बहुत अच्छा फैब्रिकेशन मटेरियल यूज़ किया है इन्होंने। सेकेंडली हम देखें तो इसका इंसोल हम चेकआउट करते हैं। इसके इंसोल पे माइकल एंजेलो की ब्रांडिंग रहती है और देख सकते हैं डायमंड कट में ये जो कटा हुआ है, ये कटिंग जो इन्होंने दी है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहा है। इसका सोल का जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया बनाया है इन्होंने, ये कार्विंग बहुत अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आप। जैसा कि थर्डली हम देखें तो इसका जो आउटसोल की ग्रिप है, ये आप चेकआउट करिए, इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, यूनिक है, आपको एंटी स्किड रहेगा, ये स्लिप वगैरह नहीं मारेगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैट फिनिश में इसका पूरा आउटसोल आता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी MRP 1299 है। इनकी MRP जो इनकी स्लीपर्स की MRP 1199 1299 है, प्लस सैंडल 1499 का है। तो ये 1000 से 1500 के बीच का ब्रांड है। तो ये थी इसकी सेकेंड स्लीपर। बढ़ते हैं हमारी थर्ड वॉकर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है थर्ड प्रोडक्ट जो है वॉकर। देख सकते हैं आप, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ बनाया है ये थर्ड वॉकर। फर्स्टली इसके अपर की बात करें तो इसका अपर वीगन लेदर में आ जाता है, ब्लैक एंड टैन कलर के साथ आ जाता है ये। ये आप देख सकते हैं, ये लोगो, ये जो इन्होंने बक्कल लगाया है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है और यूनिक डिज़ाइन है इसके अपर का। देखें इसके इनसाइड में, तो इनसाइड में लाइनिंग मिल जाती है हमको बहुत अच्छी, जो कि ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेगी आपको। सेकेंडली हम देखें तो इसके इंसोल की बात कर लेते हैं। इसका इंसोल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। माइकल एंजेलो की ब्रांडिंग मिल जाती है इस पर हमको, वीगन कलेक्शन की। अंदर ग्रिप के लिए आप देख सकते हैं इन्होंने ये टेक्सचर डाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको स्लिप वगैरह नहीं मारेगा। जैसे पैर अंदर से हमारा स्लिप होता है, तो वो स्लिप अंदर से भी नहीं होगा। तो बहुत ध्यान दिया है इन्होंने, R&D बहुत सोच समझ के करते हैं, ये बहुत बढ़िया R&D करते हैं और डिज़ाइन बहुत क्लीन एंड शीक बनाते हैं। थर्डली हम इसका आउटसोल देखें, तो आउटसोल आप देख सकते हैं, आउटसोल बहुत अच्छी ग्रिप है, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं मारेगी। माइकल एंजेलो की हमको इस पर ब्रांडिंग मिल जाती है, इनका इन हाउस प्रोडक्शन है ये। साइड में आप देख सकते हैं फ्लैट सोल पे इसको बनाया है, आप ऑल डे इसको पहन के रखें, बहुत कम्फर्टेबल रहेगा और इसको आप ऑल डे कैरी कर सकते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ, जो है सैंडल। देख सकते हैं आप, ये जो इसका सैंडल है, दो कलर के साथ आता है,
टैन एंड ब्लैक, और इसकी एमआरपी है 1499। तो बात करते हैं फर्स्टली इसके अपर की। इसका अपर भी वीगन लेदर से बना हुआ आता है, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट अपर है इसका, और ये पंचिंग डिज़ाइन मिल जाती है हमको, काफ़ी अच्छा लग रहा है लुकिंग वाइज आप देखें तो। बहुत ही प्यारा सैंडल है ये। हमको यहाँ पे बक्कल मिल जाता है, आप इसको लूज़ एंड टाइट कर सकते हैं, और बैक साइड का जो स्ट्रैप है इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, एज ए इसको चप्पल की तरह वॉकर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एज ए नीचे कर देंगे तो सैंडल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। टू इन वन चीज़ है ये। और इसके आप देखें सिलाई वगैरह स्टिचिंग वगैरह प्रॉपर की भी आती है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर जो ये है ये भी प्रॉपर मेटल का बना, मेटल का इनका बटन लगा हुआ है, तो इसमें भी हमको निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्टिचिंग नहीं चिपका हुआ नहीं है, ये प्रॉपरली फिट किया हुआ है, तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये ड्यूरेबिलिटी पर काफ़ी फोकस रहता है इनका, R&D काफ़ी अच्छी होती है। सेकेंडली हम देखें तो इसका भी लाइनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से इन्होंने इस अपर को बनाया है। सेकेंडली हम इसका इंसोल देखें तो इंसोल भी इसका काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इधर भी हमको आर्क सपोर्ट मिल जाता है और अंदर ग्रिप मिल जाती है, अंदर हमारा पैर इसमें स्लिप नहीं मारेगा। माइकल एंजेलो की ब्रांडिंग मिल जाती है वीगन कलेक्शन के साथ। थर्डली इसका आउटसोल चेकआउट करें हम, तो इसका आउटसोल आप चेकआउट करिए, एंटिस किट आता है इसका आउटसोल भी, इस पर भी जो लाइनिंग वगैरह बनी हुई है ये आपको स्लिप नहीं होने देगा। इस पर भी हमको माइकल एंजेलो की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ये है फ्रेंड्स इसका सैंडल, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आप, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है 1499 का। तो ये था फ्रेंड्स माइकल एंजेलो का सैंडल जो कि दो कलर के साथ आता है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इन फ्यूचर आपको किस टाइप की और वीडियोस चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। To be educated, but I'm so frustrated.